क्या भारतीय जनता पार्टी उनके गढ़ में घुस के सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है? जहां जिस जाति का वर्चस्व है वहां ये पहले से तय कर लिया जाता है कि ये जाति जीतेगी, लेकिन कई बार ये भ्रम टूटा है। जो सामने वाला पहलवान है जिसके साथ आपको टक्कर लेना है, उसको पहले ही इतना ना उसका दीजिए कि उसमें अगर जीतने की क्षमता नहीं हो तब वो आपको खीस में पटक दे। जी। पूरी तरह से सेंधमारी हो गया, पूरी तरह सेंधमारी करके यादवों का वोट जो है विनोद यादव को चला गया। हवा के विपरीत आप जाइएगा तो क्या होगा, उलटिए ना जाइएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये महाभारत 2024 है। चुनावी दंगल में दो चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है। दो चरणों के चुनाव समाप्त होने के बाद अब बारी है तीसरे चरण की। तीसरे चरण के पांच सीटों पर मारामारी जारी है। अलग अलग लोकसभा सीटों पर जो जातिवार समीकरण है उन समीकरण को साधने की कोशिश एनडीए और महागठबंधन की तरफ से की जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि लालू प्रसाद यादव जो एनडीए और जदयू का कोर वोट बैंक है, लॉकस समीकरण उसमें सेंधमारी कर दी। कई लोगों पर कुशवाहा कुर्मी पर भरोसा जताया और उनको टिकट दे दिया गया। लेकिन इधर महागठबंधन के इतर अगर बातचीत करें एनडीए गठबंधन की, तो वो भी राजद के कोर वोट बैंक जो यादव बाहुल्य क्षेत्र है या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उसमें सेंधमारी करने की लगातार कोशिश जारी है। महाभारत 2024 में आज इसी विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ बाबा जुड़ गए हैं, इनसे पूछेंगे कि यादव मुस्लिम के गढ़ में बड़ियार सेंधमारी, ओवर कॉन्फिडेंस में बिगड़ने वाला है खेल, किसका खेल बिगड़ेगा, किसके जो यादव और मुस्लिम का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने की कोशिश कौन कर रहा है। सीधे बाबा से जुड़ते हैं और पूछते हैं कि यादव वोट बैंक तो बाबा राजद के पास है, महागठबंधन के पास है, क्या भारतीय जनता पार्टी उनके गढ़ में घुस के सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है? कभी पहलवानी आपने देखा है? जी, पहलवानी में रिंग में दो पहलवान जब उतरते हैं तो दोनों का वेट एक तरह का होता है, कैटेगरी बांटा जाता है कि ये 40 किलो वेट के हैं, ये 80 किलो वेट के हैं, 100 किलो वेट के हैं। दोनों पहलवान जब मैदान में आते हैं तो दोनों का वेट तो एक ही रहता है, लेकिन फिजिक बनावट जो होता है ना उसके आधार पर पहले से परसेप्शन बनने लगता है कि ये जीतेगा ये हारेगा। शारीरिक ढांचा बिल्कुल उसी तरह से, आप समझिए कि ये चुनाव है लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जहां जिस जाति का वर्चस्व है वहां ये पहले से तय कर लिया जाता है कि ये जाति जीतेगी, लेकिन कई बार ये भ्रम टूटा है जी। इस बार भी ये भ्रम टूटने वाला है। हम इस आधार पर कह रहे हैं कि आप जो सामने वाला पहलवान है जिसके साथ आपको टक्कर लेना है उसको पहले ही इतना ना उसका दीजिए कि उसमें अगर जीतने की क्षमता नहीं हो तब वो आपको खीस में पटक दे जी। और यही कुछ देखने को मिल रहा है इस बार 2024 के चुनाव में। रत्नेश, पहले चरण के चुनाव की तरफ थोड़ा सा हम आते हैं, एकदम बहुत फ्लाइट जी। चार जी। सीटों में चुनाव था, एक सीट गया जहाँ जो मुसहर समाज है उसका वर्चस्व है। याद होगा हमने कई बार विश्लेषण में बताया था कि हम मुसहर वर्सेस मुसहर होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बार बदलने की कोशिश की गई। इसके अलावे अगर बात करें औरंगाबाद की तो यहाँ यादव और राजपूत की लड़ाई है, चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। जी जी जी। यहाँ यादव को न उतार करके यहाँ समीकरण कैसे गढ़ा गया, कुशवाहा को दिया गया, यानी कि उसकाया कहीं ना कहीं राजपूतों को उसकाया लालू प्रसाद ने, और कुशवाहा को दे करके उन्होंने MY पर लौकुश समीकरण गढ़ने का कोशिश किया। जी जी जी। अब यहाँ एक सेंधमारी हुई, उसका जमुई की बात कर लें तो जमुई में दलित तो है ही, बाकी सब जातियों का संख्या है, लेकिन यादवों की संख्या यहाँ भी ज्यादा है, तो यहाँ पे भी यादवों को टिकट दिए। यहाँ पर भी उन्होंने देखिए कि जमुई रिजर्व सीट था, रिजर्व सीट होने के साथ साथ उन्होंने एक ऐसा समीकरण गढ़ा कि चिराग पासवान के जिया के खिलाफ उन्होंने एक महिला उम्मीदवार को उतारा। एक तो महिला, दूसरा यादव समीकरण जुड़ेगा, लेकिन यहाँ भी सेंधमारी हो गई है। इसके अलावा नवादा की बात करें तो प्योर भूमिहार क्षेत्र, यादवों का यहाँ अच्छा वर्चस्व है, लेकिन राजबल्लभ के परिवार को क्यों नहीं दिया गया, यहाँ भी कुशवाहा को उतारा गया कि यादव वोट तो मेरा है ही है जी, लेकिन सेंधमारी तो हो गया ना कुशवाहा वोट बैंक में। पूरी तरह से सेंधमारी हो गया, पूरी तरह सेंधमारी करके यादवों का वोट जो है विनोद यादव को चला गया। जिससे पूछिए, पूरी टीम हमारी वहां सर्वे कर रही थी, जिससे पूछिए तो विनोद यादव, विनोद यादव दुख सुख में रहते हैं तो इनको हम जानबो नहीं करते हैं, ये कौन है कुशवाहा। श्रवण कुशवाहा को वहां कोई पहचानता तक नहीं था बहुत सारे इलाकों में। निश्चित रूप से पहले चरण के चुनाव में जहां जहां यादव बहुल क्षेत्र था
संभावना थी कि यादव कुछ करेंगे, वहाँ से अनिवार्य हो गई विभिन्न समीकरणों को जोड़ करके कहीं ना कहीं। ये तो रिजल्ट सब पता चल जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन यादव के जहाँ सीट है और मुस्लिम के जहाँ सीट है, दूसरे चरण में भी आप उठा के देख लीजिए वही तो जितने भी सीट है उसमें 90% सीट ऐसे है या 90% क्षेत्र ऐसा है जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। आप बात किशनगंज की करें, तीन तीन मुसलमान खड़े हैं, जीतेगा तो कोई मुसलमान ही मुसलमान। लेकिन यहाँ सेंधमारी कैसे हुई? तो यहाँ सेंधमारी हुई कि MY समीकरण पर बाकी के समीकरण कैसे भारी पड़ेंगे। अगर जदयू यहाँ से जीत जाती है, 2019 में यही रिजल्ट पता था, यही एक सीट जो अगर जीत जाती है जदयू तो निश्चित रूप से यहाँ भी सेंधमारी तो हो ही जाएगी ना MY समीकरण में। बात कटिहार की करें तो कटिहार में और कुछ कहने की जरूरत है क्या? कटिहार का समीकरण तो सीधा नजर आ रहा है कि एक बार फिर से वहाँ दुलाल चंद गोस्वामी का जो है ग्राफ हाई है। फिर से जो गए हैं वहाँ तारिक अनवर, तो तारिक अनवर को लेकर के लोगों के में सस्पिशन था। बिल्कुल, यहाँ अगर दुलाल चंद गोस्वामी की जीत 2019 में हुई है तो निश्चित रूप से यादव और मुस्लिम समीकरण में सेंधमारी हुई है। तो इस बार भी ये सेंधमारी हो जाए तो कोई बड़ी बात तो होगी नहीं होगी, क्योंकि इस बार समीकरण में और भी बहुत कुछ जुड़ा है। इस बार उपेंद्र कुशवाहा साथ में है, चिराग पासवान तो 2019 में भी थे, लेकिन इसके साथ साथ एक और समीकरण जुड़ा है जीतन राम मांझी का। तो इनका वोट बैंक भी तो जुड़ेगा उसमें, और सब जाकर के सबके लिए प्रचार कर रहे हैं। ये पहली बार नजर आया है कि इतना मजबूती के साथ NDA के घटक दल एक दूसरे से डिफरेंसेस के बावजूद 2 महीना पहले तक काफी डिफरेंस, बिल्कुल डिफरेंस, एक दूसरे पर जम करके हमला कर रहे थे, लेकिन वही अब साथ में आ गए हैं। बात करें पूर्णिया की, तो पूर्णिया में भी आपने देखा होगा कि यादव वोट बैंक जो राजद का कोर वोटर है उसको तो सबसे पहले पप्पू यादव ने ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं सेंधमारी हो गई है। बात करें अगर भागलपुर की, तो यहाँ भी मुस्लिम और यादव का समीकरण होता है, लेकिन यहाँ से मंडल जीत के आते हैं। बिल्कुल, इस बार सवर्ण पे भरोसा किया गया था, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या यादव और मुस्लिम उस सवर्ण को वोट किए हैं, क्योंकि याद आएगा लोगों को भागलपुर कांड। बिल्कुल, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो वहां के लोगों को इंसाफ दिलाया था वो सबके जहन में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा बांका की बात करें तो जो प्योर यादव क्षेत्र का है, यहाँ भी जो लड़ाई है 2 यादवों में है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या जयप्रकाश नारायण यादव जो है उनके भाई बहुत मेहनत कर रहे थे विजय यादव, इसके अलावा पूरी टीम लगी हुई थी, यहाँ क्या स्थिति है ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ सेंधमारी हुई, क्योंकि यहाँ जो गिरधारी यादव के प्रति था थोड़ा सा लोगों की नाराजगी थी। बिल्कुल, लेकिन ये नाराजगी बाकी के लोगों को अब जब हवा इधर बह रही है तो सब लोग उसी तरफ जाएंगे। हवा के विपरीत अब जाइएगा तो क्या होगा, उलटिए ना जाइएगा। इसके बाद अब 2 चरण तो हो चुके हैं, तीसरे चरण में झंझारपुर की बात करें तो यहाँ मंडल बहुल क्षेत्र है, यहाँ के निर्णायक मंडल होते हैं, और यहाँ से रामप्रीत मंडल को उतारा गया है। हम एक खबर कर रहे थे, उस खबर में हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी और NDA के घटक दल जिसमें कि शामिल है नीतीश कुमार भी, ये सारे फुल कॉन्फिडेंस में है 40 लोकसभा सीट के लिए, इसीलिए इन्होंने कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है और अपने पुराने छत्रपों पर ही भरोसा किया है। तो यहाँ रामप्रीत मंडल को लेकर के कहा जाए, उम्र की बात और अन्य तरह की बात, बहुत तरह की बातें कही जाती है, लेकिन दूर दूर तक ऐसा नजर नहीं आता है कि रामप्रीत मंडल बैकफुट पर है, क्योंकि यहाँ से उम्मीदवार बदला गया है और सुमन महासेठ को यहाँ से उतारा गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनका रिश्ता पहले कहाँ का था। ये भी बहुत बड़ा, इनके बारे में कहा जाता है कि BJP से ये संपर्क में रहे हैं हमेशा। मैं देख रहा था कहीं आप चर्चा कर रहे थे, आर्टिकल था RSS और BJP से उनका बड़ा रिश्ता रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि झुकाव हंसुआ अपने तरफ काटता है, पुराना रहा है। मधेपुरा की बात करें तो यहाँ तो यादवों की आप समझ ही सकते हैं, पिछली बार सेंधमारी हो चुका था MY समीकरण में, तभी ना यहाँ से जदयू जीती थी। और यहाँ पर शांतनु जो शरद यादव के बेटे थे वो रेस में थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, जिस वजह से नाराजगी है उनके लिए है, पप्पू यादव को लेकर के है। पप्पू यादव ने खुद कहा है कि हम जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन किसके लिए करेंगे? सवाल यहाँ ये उठता है, निर्दलीय वहाँ अगर कांग्रेस होती तो प्रचार करते भी, RJD के लिए तो प्रचार करने नहीं जाएंगे, अगर वहाँ जाते भी हैं तो किसका वोट खराब करेंगे, सेंधमारी किसमें करेंगे, निश्चित रूप से राजद करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें सुपौल की, तो यहाँ हमने एक बार फिर आपको बता दें कि हमने यहाँ भी खबर किया था कि यहाँ तो यादवों में सेंधमारी जबरदस्त होती रही है, शुरू से होती रही है, और एकमात्र यादव विजेंद्र यादव यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहे हैं। इसके साथ साथ एक आपको पता ही है कि वैद्यनाथ मेहता भी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी एक बड़ा सेंधमारी करने के लिए तैयार है। तो यादव और मुस्लिम
वोट बैंक में यहाँ भी सेंधमारी होगी। और अररिया की बात करें तो यहाँ तो ऑलरेडी हो चुकी है, 2019 में भी आपने देखा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ से जीत के कौन आता है? बीजेपी जीत करके आती है, हिंदू समाज के लोग जीत करके आते हैं। खगड़िया की बात करें तो ये हमेशा उलट पुलट करता रहा है, पिछली बार वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट थे, यादवों ने उनको वोट किया था और वो जीत करके आए थे, लेकिन इस बार कैंडिडेट ही बदल गया है, स्वर्ण समाज से यहाँ राजेश वर्मा वैसे समाज से आते हैं और वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ आपने कुशवाहा को मौका दिया है सीपीएम से, यादव वोटर आखिर सीपीएम को वोट करने जाएंगे तो बहुत सोचेंगे, बिल्कुल, तो निश्चित रूप से वो सोचेंगे कि कहाँ जाएं, विकास की तरफ दे दें। लोगों ने कहा भी है कि भाई चिराग पासवान पर हमको भरोसा है, चिराग पासवान ने ये कह करके और लोगों का दिल जीत लिया है कि हम भाई एक सीट लड़ तो रहे हैं किसी हाजीपुर, लेकिन हम पांचों सीट पर सांसद हैं, सारा देख रहे कि मेरे अंडर में ही। आप जब भी हमको याद कीजिएगा तो आपका सांसद आने में लेट कर देगा, हम सीधे वहां लैंड कर जाएंगे, हेलीकॉप्टर मेरे पास है जी। और वही हेलीकॉप्टर दिखा दिखा करके सब जगह हेलीकॉप्टर पर वोट मंगवा रहे हैं जी। तो ये साफ बताता है, चौथे चरण की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन तीसरे चरण तक जो नजर आ रहा है वो साफ नजर आ रहा है कि अगर लालू प्रसाद और उनकी टीम, जैसा कि देखने में मिल रहा है, कांग्रेस का देख लिया पूरा उत्साह में है, सीट बंटवारा में नौ दिया तेल जल गया, पता नहीं चल रहा था किसको दे किसको नहीं दे, बाप को दे, बेटा को दे, भतीजा को दे, नाती को दे, पोता को दे, दूसरे पर आरोप लगाते, ये एक परंपरा बन गई है जी, कि जी। हमारे हाथ में पावर आ गया तो अपने पूरे खानदान को उसमें जोड़ दो। अब लालू प्रसाद को देखिए, छह सत सत आदमी है ना, कहते हैं कि 11 आदमी का टीम है मेरा, 9 गो बाल बच्चा, 2 गो हम। अभी स्थिति आप उठा के देख लीजिए तो अभी परिवार का 60% लोग रेस में है, रेस में क्या राजनीतिक लाभ उठा रहा है जी, बिल्कुल राजनीतिक लाभ उठा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस की भी स्थिति समझ लीजिए, और बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं जिस तरह से एनडीए ने अपने आप को बदला कैलकुलेट किया है, उसमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन लालू प्रसाद का और तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस, और उस कॉन्फिडेंस को और थोड़ा सा अग्नि नीचे जला करके धड़काने वाले मुकेश सहनी पूरी तरह से कहीं ना कहीं अति उत्साह में, जानते हैं क्या होता है ना, वही लग रहा है। बाकी तो चुनाव का जब परिणाम आएगा तो देखा जाएगा। देखिए महाभारत 2024 में बाबा ने समझाया आपको कि कैसे सेंधमारी की जा रही है, कैंडिडेट बदल दिया जा रहा है, वैसे क्षेत्रों में जहां पर यादव बाहुल्य क्षेत्र है, या तो कुशवाहा को दिया जा रहा है या किसी ऐसे कैंडिडेट को दिया जा रहा है जो अपने ही वोट बैंक पर बड़ी सेंधमारी कर दे रहे हैं। महाभारत 2024 में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर निरंतर दिन भर आपको मिलती रहेंगी, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे वो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।